नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। 78वां स्वतंत्रता दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश। द्वीप समूह में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है 78वां स्वतंत्रता दिवस। और नगर के विभिन्न स्थानों एवं बाहरी द्वीपों में भी स्वतंत्रता दिवस पर हुआ ध्वजारोहण समारोह। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सभी द्वीपवासियों को द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी ने अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उपराज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का ये पावन अवसर उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण का है जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उन्होंने कहा कि ये महापर्व देश के विकास के लिए एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने आगे कहा कि ये द्वीप समूह स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष एवं बलिदान का प्रत्यक्ष साक्षी रहा है। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने ये कामना की है कि ये पावन पर्व समस्त द्वीपवासियों के जीवन में शांति एवं प्रसन्नता लेकर आए और ये द्वीप समूह प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहे। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए अपने संदेश में द्वीपों के सांसद विष्णुपद रे ने समस्त द्वीपवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमें अपने महान नेताओं के बलिदानों को याद करना चाहिए जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सांसद ने कहा कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें भारत के खिलाफ कार्य करने वाली दुष्ट ताकतों को हराने और इस देश को दुनिया का सबसे विकसित देश बनाने के लिए काम करने की शपथ लेनी चाहिए। पूरे देश के साथ हमारे अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आज 78वां स्वतंत्रता दिवस जोश, उमंग और देशभक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। पोर्ट ब्लेयर के ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी मुख्य अतिथि थे। समारोह में अंडमान निकोबार के कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन, मुख्य सचिव केशव चंद्र, सांसद विष्णुपद रे, पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव, तीनों सेना के आला अधिकारीगण एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पेश है एक रिपोर्ट। पूरे देश के साथ हमारे अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आज 78वां स्वतंत्रता दिवस जोश, उमंग और देशभक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। पोर्ट ब्लेयर के ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी के जोशी मुख्य अतिथि थे। मुख्य समारोह में शामिल होने से पहले माननीय उपराज्यपाल राष्ट्र स्मारक सेलुलर जेल गए और शहीद स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद वीरों को नमन किया। माननीय उपराज्यपाल ने सेल्युलर जेल परिसर में ध्वजारोहण भी किए। इसके बाद माननीय उपराज्यपाल समारोह स्थल नेताजी स्टेडियम पहुंचे और 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराया।
और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रेसिडेंट फायर सर्विस मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल एवं जिन्हों के माननीय राज्यपाल महोदय प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वीप वासियों को संबोधित करेंगे। 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ मैं उन सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया, साथ ही उन वीरों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने बाद के वर्षों में देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन तथा आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की परियोजनाओं के माध्यम से द्वीपों के विकास को नई गति मिली है और अनेक ऐतिहासिक तथा युगांतरकारी प्रोजेक्ट्स विकसित भारत की दिशा में हमारी महत्वपूर्ण पहल हैं। प्रशासन द्वारा अलग अलग परियोजनाएं जैसे रटलैंड वाटर प्रोजेक्ट्स, नए एयरपोर्ट टर्मिनल इत्यादि में कई हजार करोड़ों का निवेश किया गया है। मुख्य भूमि से दूरी व लॉजिस्टिकल चुनौतियों के होते हुए भी आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की 44 में से 15 यानी कि 34% परियोजनाएं पूर्ण रूप से ऑपरेशनल हो चुकी हैं। चेन्नई टू अंडमान सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर परियोजना, हम्फ्री स्ट्रेट पर आजाद हिंद फौज हेतु इत्यादि महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स द्वीपों के बहुमुखी विकास में गेम चेंजर सिद्ध हुए हैं जिनसे ईज ऑफ लिविंग पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। बड़े हेलीकॉप्टर्स द्वारा फ्लीट अपग्रेडेशन के लिए प्रशासन के अथक प्रयत्नों से यह 12 पैसेंजर क्षमता वाला सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर पोर्ट ब्लेयर पहुंच चुका है व शेष कोडल फॉर्मेलिटीज पूरा होते ही नियमित उड़ानों में इनका प्रयोग होगा। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए हमारे निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप शीघ्र ही नवंबर से कुआलालंपुर से पोर्ट ब्लेयर उड़ानों के प्रारंभ से एयर कनेक्टिविटी में एक पैराडाइम शिफ्ट आने वाला है। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी व सर्विसेज सेक्टर में मेगापोर्ट, 4 आइलैंड्स प्रोजेक्ट तथा 11 साइट डेवलपमेंट्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल मेमोरियल, स्वराज द्वीप के राधानगर बीच पर पीपीपी मोड में इको फ्रेंडली रिजॉर्ट्स तथा चैथम, वाइपर व नेताजी सुभाष चंद्र बोस हेरिटेज टूरिज्म सर्किट विकसित करने के लिए प्रशासन प्रयासरत है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में स्वयं मैं तथा मेरा प्रशासन द्वीपों के बहुमुखी विकास के लिए कटिबद्ध हैं ताकि विकसित भारत के सपने को साकार करने में न्यू अंडमान्स पूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभा सके। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों, शिक्षण संस्थानों और बाहरी द्वीपों में भी आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह आयोजित हुआ। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों, शिक्षण संस्थानों और पंचायतों में भी आज 78वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर
ध्वजारोहण समारोह आयोजित हुआ। पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट कोर्ट परिसर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह आयोजित हुआ। समारोह में कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार भवानी शंकर शर्मा ने अन्य न्यायाधीश कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी और बार काउंसिल के सदस्यों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। जिला न्यायाधीश सुधीर कुमार ने जिला एवं सत्र न्यायालय और प्रयास केंद्र में भी ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी प्रकार सचिवालय में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया गया। प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र ने सचिवों, अधिकारियों, कर्मचारियों और बच्चों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। इस दौरान राष्ट्रगान भी हुआ। दक्षिण अंडमान के जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने अपने कार्यालय परिसर में अधिकारियों कर्मचारियों की मौजूदगी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के मुख्यालय भवन में आज परिषद के अध्यक्ष सुदीप राय शर्मा ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका सचिव और बच्चे उपस्थित रहे। नेताजी स्टेडियम के निकट स्थित नगरपालिका नर्सरी विद्यालय में भी आज 78वां स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण हुआ। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आज 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। विमान पतन निदेशक देवेंद्र यादव ने CISF की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर के साथ 100 फीट ऊंचे मस्तूल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। द्वीप समूह के अन्य भागों के साथ साथ निकोबार जिले में भी 78वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर निकोबार जिले की उपायुक्त ज्योति कुमारी ने BJR स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दिगलीपुर में भी 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। सुबह स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरियां निकाली और अपने नारों के माध्यम से विकसित भारत को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। मॉडल स्कूल सीतानगर में प्रधानाचार्य बलबीर सिंह ने राष्ट्र ध्वज फहराया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। उत्तर व मध्य अंडमान में भी आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर उत्तर व मध्य अंडमान के जिला उपायुक्त दिलखुश मीणा ने जिला मुख्यालय मायाबंदर के नेताजी खेल परिसर में तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अंडमान निकोबार कमान के सैनिकों परिवार और बच्चों सहित 78 तैराकों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से मरीना बे तक तैराकी अभियान चलाया। आज इस अभियान का समापन हुआ।
इस मौके पर अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालकृष्णन मुख्य अतिथि थे। उन्होंने मरीना पार्क में परमवीर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीरों को श्रद्धांजलि दी। इस वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में अंडमान निकोबार कमान ने खुले पानी में समुद्री तैराकी अभियान शुरू किया, जिसमें परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखे गए द्वीप समूह के 21 द्वीपों को शामिल किया गया। प्रत्येक द्वीप पर तैराकी 5 महीनों में अलग अलग तिथियों पर स्वतंत्र रूप से आयोजित की गई। इस बीच कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालकृष्णन ने इन तैराकों का स्वागत किया। इस मौके पर आयोजित समारोह में सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। समापन समारोह के लिए एकत्र हुए कर्मियों को संबोधित करते हुए कमांडर इन चीफ ने इस अभूतपूर्व साहसिक अभियान के दौरान चुनौतियों का सामना करते हुए इस अभियान को पूरा करने के लिए सभी परमवीरों की सराहना की। Our Paramveer Chakra awardees. It is indeed befitting that we do so on the occasion of 78th Independence Day on a land that holds a significant place in the history of India's freedom struggle. And as covered earlier, with 78 swimmers undertaking the concluding swim for the NSEB from NSEB to this location. This remarkable expedition over a period of 5 months symbolizes not just a journey through waters, but a voyage of determination, courage, and unity, qualities that are bedrock of our nation and more importantly, that of the armed forces. It was a tribute to the men who stood on the front lines, faced the most daunting challenges, and fought with valor that goes beyond the call of duty. And most of them sacrificed their life in service of this great nation. As the expedition ventured into the vast, challenging and uncharted waters, we were constantly reminded of the endeavor was more than just an extreme adventure. It was not just about individual achievements. It was about teamwork, trust, and unwavering support and encouragement. Let us carry the legacy forward in all that we do, and let this expedition be a reminder that we too can strive for greatness inspired by the examples that they've set. On this day, let us all renew our commitment to nation for Viksit Bharat, the vision of our Honorable Prime Minister. United we stand, proud and free. Happy 78th Independence Day to all of you and your families. Jai Hind. द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। ध्यान रखें, जब फहराए तिरंगा, आकाश पर ऊंचा लहराए, धरती न छूने पाए। राष्ट्रीय ध्वज है मान देश का, इसकी छवि धूमिल न होने पाए। भगवा ऊपर फिर सफेद और सबसे नीचे हो हरा, सही क्रम में लहराए तिरंगा। बीपीओ
बायोडायवर्सिटी, भारत की अनोखी जैव विविधता। लाखों वर्ष पुरानी संपदा है हमारे देश की। वन जंगल हमारी विरासत है, भंडार हैं दुर्लभ औषधियों के, जिनमें छुपे हुए हैं अनेकों समाधान विश्व की दुर्लभ और खतरनाक बीमारियों के। देखिए यह एपिसोड इस शनिवार को रात 10:30 बजे केवल डीडी नेशनल पर। और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा, सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। अंतराल के बाद द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। कोस्ट गार्ड किंडरगार्टन स्कूल के इंडोर खेल परिसर में आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल मुख्य अतिथि थी। इस बीच स्कूल की प्रधानाचार्य एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने बच्चों की प्रस्तुति पर अपनी खुशी जाहिर की। School. It's such a positive energy that I think we get from children and from the environment that the school offers. To the dear children who are very young members of our society, it's very heartening and very reaffirming to see that the children are growing up with the values that we want them to aspire for and to strive for in life. Feeling there, desh bhakti ki jo bhavna hai, all the freedom that is expected, that doesn't come in one day. That comes as a constant labor, not just from school, but from the family, the kind of family values that we impart to children, the kind of conduct and behavior that our parents are after. See from us, because as they say, the children will not do what we tell them to do, the children will do what they see us do.
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न दुकानदारों द्वारा आज अबरडीन बाजार तथा जंगली घाट में सस्ता बाजार लगाया गया। इस मौके पर भारी संख्या में आम लोगों ने विभिन्न वस्तुओं की खरीददारी की। अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमबी छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमबी लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर 78वां स्वतंत्रता दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश। द्वीप समूह में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है 78वां स्वतंत्रता दिवस। और नगर के विभिन्न स्थानों एवं बाहरी द्वीपों में भी स्वतंत्रता दिवस पर हुआ ध्वजारोहण समारोह। इसी के साथ ही आज का ये द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।